बच्चे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप पार्ट वी हैव कवर्ड एंड नाउ आई विल डिस्कस टुडे पार्ट ऑफ इंडिया एंड इवन मेनी क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर लाइक कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया हाउ फैक्ट्री सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड व्हिच वर द फेमस बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हु वर फेमस एट दैट टाइम हु मेड प्रॉफिट्स हु मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग इन द ब्रिटिशर्स कंपनीज और मिल्स Now, next part is about the workers. Next part is workers, life of workers. Yes, बच्चे ये जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज या कंपनीज या मिल्स इस टाइम में सेटअप हो रही थी तो इनमें वर्कर्स कहां से आ रहे थे नेम ऑफ प्लेस यू हैव टू रिमेंबर रत्नागिरी रत्नागिरी ये था नियर बॉम्बे यानी कि बॉम्बे में जितनी भी कॉटन मिल्स थी स्पेशली जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ठीक है ये बेसिकली रत्नागिरी बॉम्बे के आसपास का जो एरिया है विलेज एरियाज वहां से मेन लेबर्स आते थे सपोज अगर हम ये कहें कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर जो है वो कहाँ से आते हैं बिहार है ना तो ऐसी बॉम्बे के आसपास का जो एरिया था इन फैक्ट्रीज में जो भी लेबर्स आते थे वो बेसिकली आते थे रत्नागिरी ठीक है नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट सिटी जहां पे बहुत ज्यादा मिल्स बनी तो इन एरियाज में कोई पर्टिकुलर एक नेम नहीं था अलग अलग विलेजेस थे उन विलेजेस में से लोग दे माइग्रेटेड फ्रॉम दीज एरिया सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ रत्नागिरी फॉर बॉम्बे एंड वन इम्पोर्टेंट एरिया वेयर मैनी मिल्स वर एस्टैब्लिश ठीक है And in this, many people, they migrated from village areas to cities. Number one, their main target was to get employment. And at that time, with the coming of British industries, many people, they got employment. What the reason was, they were given low wages. Time period was too long. Working hours bahut zyada hote the. Too long, no security of job. At that time, no security of job. क्योंकि हम वैसे तो अगर long question होता तो ये सारा detail में करते हैं पर आपको short में पता होना चाहिए that they were dismissed any time. No security. Security का मतलब होता है permanent नहीं थी उनकी job. तो उनकी job क्या थी temporary. Kind of हम ये भी कह सकते हैं कि many cotton mill workers They were facing. आपको याद है यही हमने आगे कहां पे किया ये टॉपिक हाँ ये टॉपिक हमने कहां पे किया आगे नेशनलिज्म इन इंडिया में किया ना When महात्मा गांधी he came from South Africa, then he started सत्याग्रह and he started सत्याग्रह so that the demand of these workers can be carried forward to Britishers. जो भी इनकी डिमांड थी They were given low wages, working conditions were too long, temporary time period का मतलब होता है any time they can be dismissed from the job and exploitation. Exploitation का मतलब क्या होता है holidays ना मिलना काम के लिए हरास किया जाना क्वालिटी अगर नहीं पसंद आती है तो उसके लिए कई बार टॉर्चर किया जाना तो ऐसी उस टाइम पीरियड में कंडीशन थी इन फैक्ट्रीज में बिकॉज वी वर अंडर कॉलोनियल रूल And this was the reason why the life of many workers, the people they suffered in these, those who were doing their job in these industries. ठीक है? अब next आपने याद रखना है कि उस time period में जैसे आज के time period में क्या होती है ad agencies होती है अगर आपने कहीं भी job apply करना ना तो आप कोई भी ad agencies हैं या job agencies होती हैं वहां पे अपना सारा resume या qualification आप उनको बता देते हो और उनके पास जो भी कंपनीज या जो भी होती हैं तो आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो कंपनीज आपकी प्लेसमेंट मींस दोस कंपनीज आर एजेंट्स बिटवीन यू एंड द पीपल ठीक है यानी कि सपोज आपका जो भी रिज्यूम है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उस एजेंसी को बता देते हो वो एजेंसी आगे जाकर कंपनीज के साथ उनके टाई अप होते हैं जब उन कंपनीज को जॉब की जरूरत होती है या लोगों की जरूरत होती है वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं लेकिन इसका एक रूल होता है कि आपकी फर्स्ट सैलरी का कुछ परसेंट आपको उनको देना पड़ेगा क्योंकि जॉब उनकी किन्होंने लगवाई है उन एजेंसीज ने तो कई लोग ये काम करते हैं उनकी प्रॉपर एजेंसीज होती हैं
और जॉब एजेंसीज होती हैं, ये जॉब एजेंसीज क्या करती हैं, लोगों को रिक्रूट करने में हेल्प करती हैं, ताकि जब भी किसी को जॉब की जरूरत हो, जिस काइंड की जॉब है, आप उनको अपना रिज्यूम, अपनी टाइप ऑफ जो भी क्वालिफिकेशन लिखवा देते हो, और जब आपको जॉब मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंट आपको अपनी जॉब का कुछ परसेंट उनको देना पड़ता है एज अ कमीशन। कमीशन तो हर जगह में होता है ना, प्रॉपर्टी एजेंट्स कैसे कमीशन कमाते हैं, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज कोई बायर है, ठीक है, वो खरीदना चाहता है और कोई बेचना चाहता है, तो उन दोनों पार्टीज हो गई ना, पार्टी वन पार्टी टू, उनके बीच में सेटलमेंट करवाते हैं, और उसके बाद अब इनका कुछ परसेंट कमीशन होता है, टोटल डील का कुछ परसेंट कमीशन होता है जो प्रॉपर्टी एजेंट को मिलता है। प्रॉपर्टी एजेंट का तो ये काम ही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी एजेंट को सिटी के सारे जितने भी खाली प्लॉट्स हैं, कोठी जो है सेल होनी है, परचेज होनी है, उनका सारा पता होता है एरिया। इसी तरह से उस टाइम पीरियड में वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए बॉम्बे और कानपुर की जो मिल्स थी, उस टाइम में एजेंसीज नहीं होती थी, तो ब्रिटिशर्स को ये बड़ी मुश्किल होती थी कि लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाए, और रिक्रूट करने के पीछे वर्कर्स जो है उनको किस तरह से जो है अपॉइंट किया जाए, फेथ यानी कि वर्कर जो है वो कैसा है, काम के लिए इंटरेस्टेड है, लॉयल है, क्योंकि उस टाइम उनको ऑनेस्ट और लॉयल चाहिए थे जो उनकी कंपनी और जो है फैक्ट्रीज में टिक सके। ऐसे कंडीशन में जॉबर्स वर एम्प्लॉयड, आपको अपना गुमाश्ता और जॉबर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। गुमाश्ता कौन थे, वन मार्क क्वेश्चन। गुमाश्ताज होते थे पेड सर्वेंट। गुमाश्ताज कौन होते थे, पेड सर्वेंट बाय द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर मेन ड्यूटी वॉज टू सुपरवाइज द विलेजर्स द वर्क ऑफ वीवर्स। गुमाश्ताज क्या करते थे, वीवर्स का काम सुपरवाइज करते थे कि वीवर जो है वो थ्रेड से यार्न या थ्रेड से क्लोथ कैसे बना रहे हैं, क्वालिटी को चेक करते थे, अगर उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती थी तो कई बार आर्मी और पुलिस की हेल्प से, जो लेबर से या वीवर से, कई बार तो उनके जो है जो सप्लाई है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था और उनको दोबारा से बनाने को कहते थे। सिस्टम ऑफ एडवांस के अंडर ये उनको एडवांस देते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और अल्टीमेटली इनका मेन काम क्या था, जितनी भी मिल्स हैं, ठीक है, उन मिल्स के लिए या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना। तो ये तो था एक अलग से इनका प्रोफेशन। अब जॉबर्स कौन होते थे, नाम से ही पता लगता है, जॉबर्स। जॉबर्स का मतलब क्या है, हु हेल्प डिफरेंट मिल्स एंड इंडस्ट्रीज टू रिक्रूट। रिक्रूट का मतलब होता है अपॉइंट करना। दे हेल्प टू रिक्रूट वर्कर्स, लेबर्स, वीवर्स इन द मिल्स और इंडस्ट्रीज। यानी कि जो जॉबर्स थे इनका मेन काम क्या था, दे हेल्प कंपनीज और मिल्स टू रिक्रूट वीवर्स एंड वर्कर्स। अब ये रहते कहाँ पे थे, सिटीज में रहते थे, लेकिन इनका काम पता क्या होता था, ये अलग अलग विलेज एरियाज में जाते थे, उन विलेज एरियाज में ये वीवर्स को ढूंढते थे जो अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, जिनका लेबर वर्क बहुत अच्छा है, उनकी रिकॉग्निशन करके उनको कुछ एडवांस देकर ना ये उनको सिटीज में लेकर आते थे, और सिटीज में रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठहराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी तरह से जो भी उनको हेल्प चाहिए थी वो ये लोग प्रोवाइड करते थे। लेकिन बदले में इन लोगों को दोनों तरफ से कमीशन मिलता था, इनकी कंपनीज की तरफ से भी, इंडस्ट्रीज की तरफ से भी, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे जैसे भी थे और जिनको वो रिक्रूट करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में जॉबर्स का जो रोल था सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल माना जाता था। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पीरियड में जो जॉबर्स थे उनकी सोसाइटी में एक अलग ही तरह की पोजीशन होती थी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जॉबर्स हियर, ड्रेसअप लाइक दिस। उस टाइम पीरियड में ऐसी इनकी ड्रेसअप होती थी, इनको जॉबर्स कहा जाता था। इनका मेन काम क्या होता था, विलेज एरियाज में जाकर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को कन्विंस करना, ताकि वो विलेज छोड़कर सिटीज में आए, और सिटीज में नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ लेबर जो है उनको इंक्रीज किया जाए, ताकि ऑनेस्ट और जो हार्ड वर्कर पीपल हैं उनको ढूंढा जाए। और अल्टीमेटली दे मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, दे सर्च दीज पीपल। बट प्रॉब्लम क्या थी, दे डिमांडेड मनी कमीशन। कई बार क्या होता था, ये कमीशन बहुत ज्यादा हाई, अपना कमीशन बहुत हाई मांगते थे, जिससे कि क्या होता है, वर्कर्स एक बार जब उनको काम मिल जाता था, देवर गेटिंग लो वेजेस। प्रॉब्लम क्या आती थी कि उनकी सैलरी का कुछ पार्ट उनको जॉबर्स को देना पड़ता था। ये डिपेंड करता था कि 3 मंथ्स के लिए देना है, 6 मंथ्स के लिए देना है, या 1 ईयर के लिए। सो दिस वॉज ऑल्सो
अगेंस्ट द वर्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि दैट वॉज द वर्स्ट कंडीशन. स्टार्टिंग में तो वर्कर्स को लगता था कि हाँ जी फैक्ट्रीज में इजिली जॉब मिल जाएगी, बट लेटर ऑन जॉबर्स उनको एक्सप्लॉयट भी करते थे, कन्विंस भी करते थे. ठीक है, कमीशन एजेंट्स, काइंड ऑफ कमीशन एजेंट्स, इनका मेन काम क्या होता था? टू रिक्रूट वर्कर्स वीवर्स इन द कंपनीज और इन द मिल्स. ठीक है, तो ये भी वन मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है जॉबर्स के बारे में. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हाँ जी बच्चे, ओके. गुमाश्ता जो थे, हाउ दीज गुमाश्ता वर डिफरेंट फ्रॉम जॉबर्स? गुमाश्ता वर द पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, देयर मेन वर्क वॉज टू गिव एडवांस. ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एडवांस देते थे वीवर्स को. देन दे ऑल्सो गेव देम रॉ मटीरियल एज अ कॉटन. उनको कॉटन देते थे ताकि कॉटन से वो क्या बनाए, थ्रेड, और थ्रेड से क्या बनाए, कपड़ा. उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल प्रिपेयर हो जाने के बाद ये गुमाश्ता जितने एजेंट्स होते थे ब्रिटिश, ब्रिटेन से जो मिल, जो ब्रिटेन की मिल्स थी, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, उनके साथ डीलिंग करते थे ताकि इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल फॉरेन कंट्रीज में बेचा जाए. पोर्ट सिटीज, इंडिया से, इंडिया की जो पोर्ट सिटीज है वहां पे सप्लाई किया जाता था. और अल्टीमेटली दे वर द, यू कैन से, मिडल मैन बिटवीन द वीवर्स एंड ब्रिटिश मिल्स. और ईस्ट इंडिया कंपनी से इनको सैलरी जो है वो देते थे. बट समटाइम्स दीज वर, दे एक्सप्लॉयटेड द पीपल, बिकॉज गुमाश्तास जो थे नो डाउट वो इंडियंस थे, लेकिन उनके मन में इंडियंस के लिए किसी भी तरह से जो है एक कंसर्न नहीं. दे वर मनी माइंडेड, सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट मैनी गुमाश्तास दे टॉर्चर्ड, दे एक्सप्लॉयटेड इंडियन वीवर्स विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड पुलिस. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण बहुत से इंडियंस ही इंडियंस को एक्सप्लॉयट करते थे. ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा जो है उसका इन्फ्लुएंस इसलिए हुआ बिकॉज मैनी इंडियंस, रिच इंडियंस, दे वर द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. दे ट्राई टू इमिटेट दैम, वो अपने मास्टर्स को कॉपी करते थे, उनकी तरह ड्रेसअप जो है. और यह भी एक रीजन है जिसके कारण हमारी कंट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण ब्रिटिशर्स ने इतने साल तक रूल किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम उस फेज में पहुंच गए हैं जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हमने बताना. इवन हमने नेशनलिज्म के टाइम इंडिया जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडियंस के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, बिकॉज एट दैट टाइम मैनी इंडियंस दे फेस लॉस. अब हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना है कंडीशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंडीशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया. क्लियर? यस, पहले सबसे पहले लिखो ईयर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. कंट्रीज आप सबको पता ही है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड वर्सेस ग्रुप ऑफ अनदर कंट्रीज, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. सेकेंड थिंग बच्चे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया कि बहुत सी ऐसी कंपनी जो थी वो इंडिया में खुल चुकी थी. उस टाइम तक इंडिया में ब्रिटिश मिल्स खुल चुकी थी. ठीक है, एंड ब्रिटेन जो उस टाइम पीरियड में एक ऐसी कंट्री थी जो वॉर में बिजी थी. तो जब कोई कंट्री वॉर में बिजी होती है उस कंट्री का मेन टारगेट इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी गुड्स मेन बनेंगी, वेपन्स. और आपको सोचो वॉर से रिलेटेड लोगों को क्या चाहिए होता है, सोल्जर्स को क्या चाहिए होता है, सोल्जर को क्या चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, लेदर शूज, टेंट्स जो वॉर में काम आता है ना, टेंट्स, वेपन्स, आर्म्स एंड एमिनेशन. तो ब्रिटेन उस, यस, ब्रिटेन उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़कर वॉर रिलेटेड गुड्स जो था वो प्रोड्यूस कर रहा. सो राइट डाउन नेक्स्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स. बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है ताकि आपको पूरी स्टोरी की फॉर्म में ये याद हो. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर concentration of Britain was to produce more war related goods. For example, अब any example of war related goods जो soldiers को चाहिए होती है, guns, ठीक है, uniform, tents, leather shoes, हाँ, medicine, each and everything जो war related goods होती है. ठीक है,
आर्म्स एंड एमिनिशंस, वेपन्स, गन्स, गन पाउडर, ठीक है, सो बुलेट्स, ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड. सो एट दैट टाइम मेन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वॉज टू प्रोड्यूस मोर वॉर रिलेटेड गुड्स. ऐसे में ब्रिटेन की मिल से हमारी कंट्री में जो टेक्सटाइल आता था वो कुछ देर के लिए क्या हो गया, बंद हो गया. यानी कि अब मैनचेस्टर जो कंट्री में हमारी गुड्स आ रही थी वो कुछ देर के लिए बंद हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को ये लग रहा था कि अगर वहां से मशीन मेड गुड्स यहाँ पे सप्लाई की जाएंगी तो रस्ते में अटैक हो सकता है, और वॉर के टाइम पीरियड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना जो है वो सेफ नहीं होता. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग वॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, ड्यूरिंग वॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड. यानी कि जो कोई भी गुड्स लिखो इसमें, चाहे किसी भी तरह की, चाहे टेक्सटाइल हो गई या किसी भी तरह से मशीन मेड गुड्स जो हमारी कंट्री में उस टाइम में आ रही थी, कुछ देर के लिए उनको स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन मिल्स कैप्चर द मार्केट. इंडियन मिल्स कैप्चर द मार्केट, होम मार्केट. होम मार्केट का मतलब क्या होता है, इंडिया की मार्केट को कैप्चर किया. इंडियन मिल्स कैप्चर्ड होम मार्केट, क्योंकि अब इंडियन मिल्स के पास अपॉर्चुनिटी थी, फॉरेन से चीजें आ नहीं रही थी, ब्रिटेन को सिर्फ वॉर रिलेटेड गुड्स चाहिए थी. तो ऐसे में इंडिया में फैक्ट्रीज में ओवर टाइम किया गया, लेबर्स को और ज्यादा अपॉइंट किया गया, और ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया की फैक्ट्रीज और इंडिया की मिल से उनको दोनों ही तरह का सामान मिले, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल भी मिले इंडिया में जो सप्लाई हो सके, साथ ही वॉर रिलेटेड गुड्स भी. सो नाउ यू कैन राइट, नाउ इन इंडिया many Indian businessmen, they produced jute bags, जो bags चाहिए होते हैं war related equipments डालने के लिए, jute bags ताकि soldiers को food या supply के लिए चाहिए होता है ना, then cloth, army uniform, tent, leather shoes, many new factories were set up. India में बहुत सी factories बनाई गई, जिन factories में ये main जो है वो war related goods produce की गई, side by side cotton textile भी produce किया जा रहा था. And with this we can say that इस position यानी कि first world war की position का फायदा Indian mills ने लिया. और इसके लिए ना एक स्टेटमेंट नोट करो, ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए लिखी जाती है, मैनचेस्टर कुड नेवर, इसके बाद इंडिया की मिल्स ने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर ली थी कि उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन की इंडस्ट्री से चीजें आनी बंद हो गई थी. सो लास्ट पॉइंट आप लिखोगे, मैनचेस्टर कुड नेवर रीगेन इट्स ओल्ड पोजीशन. मैनचेस्टर कुड नेवर रीगेन इट्स ओल्ड पोजिशन. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी हद तक ब्रिटेन की जो मिल्स थी, इंडस्ट्रीज थी, उनसे सामान जो आना या उनका जो कंट्री में, हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट हो रहा था वो बंद हो गया. अब हमारी इंडियन कंट्रीज में इंडियन जो मिल्स थी, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, काफी हद तक ब्रिटेन के लिए सप्लाई कर रहे. तो इस तरह से हम कह सकते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है वो वर्कर्स को फायदा हुआ या नुकसान. फायदा हुआ, क्योंकि कई कंट्रीज में तो फर्स्ट वर्ल्ड, रशिया जैसी कंट्री में तो फर्स्ट वर्ल्ड में लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, पर हमारे इंडिया में उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को जो चाहिए था दे वर प्रोवाइडिंग. आप खुद सोचो कि इंडियन कितने वर्क हार्ड कर रहे थे, हार्ड लेबर कर रहे थे कि ब्रिटिश कंपनीज या ब्रिटिश जो मिल या सोल्जर्स के लिए जो भी सामान था दे वर प्रोवाइडिंग. सो इस तरह से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडियन मिल्स ने अपना रोल प्ले किया, एंड दे प्रोड्यूस मैनी गुड्स, दीज वर रिक्वायर्ड बाय कंपनी आल्सो, ब्रिटिश को जो भी चाहिए था, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो चाहिए था. हाँ, वो अलग बात है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद ब्रिटेन की जो पोजीशन यानी कि मैनचेस्टर की जो पोजीशन थी पहले, वो अब खत्म हो गई थी. नाउ इंडियंस दे वर प्रोड्यूसिंग गुड्स, और इंडिया की मार्केट में अब इंडिया की बनाई गई गुड्स ही प्रोड्यूस हो रही. एंड उसी के बाद इमिडिएटली स्वदेशी मूवमेंट के कारण भी काफी हद तक फॉरन क्लोथ को क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया, स्वदेशी आइटम्स को जलाया गया, जिसके कारण हमारी कंट्री में ब्रिटिश आइटम्स की डिमांड जो है वो कम हो गई, और जो भी हमारा इंपोर्ट यानी कि इंडिया उस टाइम में इंपोर्ट कर रहा था वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया. ठीक है,
इसके बाद बेटा ये सारा था हमारा जो हमने डाटा वगैरह बताना है, लेकिन एक और ट्रेड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज स्मॉल स्केल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके बारे में जस्ट शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसमें होता है सामान जो है वो मशीन से नहीं बनाया जाता, हाथ से बनाया जाता है। इसमें हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं जरी वर्क। जरी वर्क सुना है आपने, साड़ियों पे होता है, सूट्स पे होता है, दुपट्टे पे होता है। कई बार आपने जरी वर्कर्स को हाथ से जो है एम्ब्रॉयडरी करते देखा, तो एम्ब्रॉयडरी जो है मशीन मेड एम्ब्रॉयडरी और हाथ से की गई एम्ब्रॉयडरी का बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पीरियड में मैनी पीपल दे डिमांडेड जरी वर्क, इवन बनारसी साड़ीज। बनारसी साड़ी जो है ना वो मशीन में नहीं बनती है, इनको हाथ से जो है वो बनाया जाता है। और इसके लिए ना एक डिवाइस होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाई शटल। बनारसी साड़ी बनाने के लिए जो वीवर्स होते हैं उनके घरों में हैंडलूम्स होते हैं। हैंडलूम्स का मतलब क्या होता है, सपोज पूरा रूम है, इस पूरे रूम में अलग अलग जो है वो फ्लाई शटल का मतलब होता है कि डिवाइस होती है, ये मैकेनिकल नहीं होती, इसको हाथ से चलाना पड़ता, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, सिल्क का जो थ्रेड है उस थ्रेड के अलग अलग जो है वो रोल्स लगाए जाते हैं, और ऊपर ना एक ट्विस्टर होता है, ट्विस्टर को पुल करते हैं, जितनी बार पुल करेंगे उतनी बार थ्रेड जो है वो बनता जाता है और पूरी साड़ी बनती रहती है। मतलब ये जो काम है बनारसी साड़ी बनाने के लिए मशीन नहीं बल्कि हाथ से लोग बनाते हैं, और उसके ऊपर जो भी वर्क है उसको हाथ से किया जाता है। तो एट दैट टाइम दीज बनारसी साड़ीज एंड जरी वर्क ऑफ इंडिया वॉज वेरी फेमस। जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में मशीन मेड गुड्स या मशीन मेड जो है वो क्लोथ बन रहा था, साइड बाय साइड लोगों के लिए ये डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। अभी भी सपोज अगर आप ये देखो कि बहुत सी कंट्रीज से अभी भी हमारे साउथ इंडिया से जो साड़ीज हैं, बनारसी साड़ीज हैं, हैंडमेड साड़ीज जो हैं वो जाती हैं, बिकॉज मैनी पीपल स्टिल लाइक हैंडमेड वर्क, जरी वर्क जो होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और लाइन लिखो, मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशल वीविंग। यानी कि जो मिल्स होती है ना, मशीन्स होती हैं, वो स्पेशल वीविंग जो है उसको इमिटेट नहीं कर सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपके मम्मा स्वेटर बनाते हैं आपके लिए, डिजाइन बनाते हैं जो भी है ना, तो मशीन मेड स्वेटर और हैंड वोवन जो निटिंग होती है उसमें क्या फर्क होता है। मशीन कहते हैं ना कि मशीन मेड जो स्वेटर है उसका डिजाइन कॉमन होगा और वो मोस्टली सभी लोगों ने सेम डाला होगा, लेकिन अगर आपके मम्मा हाथ से बनाते हैं उसका सेपरेट डिजाइन होगा, अलग डिजाइन होगा, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और उसका जो टेक्सचर है और उसकी जो वार्मनेस है वो बहुत डिफरेंस है एज कम्पेयर टू मशीन मेड स्वेटर्स होते हैं, ठीक है। पुराने टाइम के ना हमारे इंडिया की पश्मीना शॉल ये बहुत ज्यादा फेमस थी, और ये माना जाता था कि हमारी कंट्री की पश्मीना शॉल जो है ना एक रिंग रिंग से निकल जाती थी, इतनी सॉफ्ट होती थी, लेकिन सॉफ्ट होने के साथ वो इतनी वार्म थी, मतलब चाहे वो एक रिंग से इतना उसका सॉफ्ट टेक्सचर होता था लेकिन वो इतनी वार्म होती थी कि आप जितने मर्जी विंटर सीजन हो अगर आप उसको रैप करते तो आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन वो मशीन से नहीं वो हाथ से बनाते। तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जिस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई, मशीन्स भी आए, साइड बाय साइड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी चल रही। आज भी दिल्ली में सूरज कुंड का फेयर लगता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, जूट बैग्स हैं या इवन जरी वर्क है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो साड़ीज हैं वो भी हाथ से बनाई जाती हैं। तो स्टिल हमारी कंट्री से अभी भी फॉरेन कंट्रीज के लोग इन एंटीक पीस और डिजाइन जो है उनकी डिमांड्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी कंट्री का एक फेमस वर्क है। लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अर्लियर इट वॉज हैंडमेड, पहले हैंडमेड था, आज के टाइम में तो मोटर्स लगा के कर लेते हैं ना, लेकिन उस टाइम पीरियड में हम जिस टाइम की बात करें उस टाइम ये हैंडमेड था। पुलिस का मतलब होता है हाथ से इसको पुल करना पड़ता, जैसे चरखा, वैसे आजकल चरखा भी मैकेनिकल बन गया है, चरखा को भी जो है लगा देते हैं। हाँ जी बेटा, दैट इज अ मॉडर्न टर्म, आप कह रहे हो ना मॉडर्न टर्म, वट वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम वेन पीपल वर रिक्रूटेड विद द हेल्प ऑफ दीज जॉबर्स। ये जो जॉबर की टर्म आप बोल रहे हो ये मॉडर्न टर्म है, हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है जॉबर्स
their main duty was to provide labor to the industries or factories by earning huge profit commissions. ये एक तरह से एजेंट थे. आप जिस टर्म की बात कर रहे हो ये स्टॉक मार्केट की टर्म है, ये मॉडर्न टर्म है. क्लियर? हाँ जी. हाँ जॉबर्स हैविंग कंसर्न, हाँ ये भी डिफरेंस लिख सकते हो कि जॉबर्स जो थे वो वर्कर्स की प्रॉपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, सिटीज में उनके रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनकी होती थी, ताकि जब विलेज से लोग सिटीज में आए तो उनको प्रॉपर रेजिडेंशियल एरियाज प्रोवाइड किए जाए, ताकि वर्कर्स जॉब छोड़कर विलेज एरियाज में वापस ना जाए. क्लियर? एनी अदर डाउट? हाँ जी. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. इसका मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी पब्लिसिटी करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये सब बच्चों को पता ही है क्योंकि आप टेलीविजन में या एड्स देखते हो. लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल रूल में, उस टाइम पीरियड में टेलीविजन लोगों के पास नहीं था, तो उस टाइम पीरियड में मेन एडवर्टाइजमेंट्स या पब्लिसिटी कैसे होती थी, जो ब्रिटिश मेड गुड्स होती थी. नंबर वन, मेड इन मैनचेस्टर टैग. हम कहते हैं ना मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया ब्रांड है, मेड इन चाइना ब्रांड है, लेकिन किसी गुड पे अगर मेड इन चाइना है तो आपको क्या लगता है? दैट इज यस ब्रांड. इट मींस किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड जो है वो काउंट करता है कि उस चीज की कितनी एडवर्टाइजमेंट पॉपुलैरिटी है. यस, ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री कॉलोनियल रूल के अंडर थी, एट दैट टाइम फर्स्ट ब्रांड, सबसे सुपीरियर ब्रांड माना जाता था मेड इन मैनचेस्टर. राइट डाउन, मेड इन मैनचेस्टर. शर्ट्स के ऊपर या टेक्सटाइल के ऊपर या रोल्स के ऊपर जब मेड इन मैनचेस्टर लग जाता था ना, तो लोगों को लगता था कि ये वेस्टर्न है एंड उसको खरीदना स्टेटस सिंबल माना जाता था. तो इसलिए टैग को देकर लोग उस टाइम पीरियड में पॉपुलैरिटी जो थी वो टैग को देकर होती थी, मेड इन मैनचेस्टर जैसा टैग. और जिसपे मेड इन इंडिया लगा होता था तो लोगों को लगता था कि ये इंडिया का है. तो एट टाइम वेस्टर्न कल्चर से जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो वो मेड इन मैनचेस्टर को ज्यादा प्रेफर करते थे. सेकंड, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता ना हम सारा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट के लिए जस्ट आपको नेम लिखने. सेकंड इज कैलेंडर. कैलेंडर तो वैसे आज भी होते हैं लेकिन आजकल ड्राइंग रूम में कैलेंडर होते नहीं है. कैलेंडर सिर्फ डेट्स के लिए होता है, लेकिन पुराने टाइम पीरियड में टी शॉप्स या जहाँ पे कॉमन गैदरिंग्स होती थी, लोग आकर डिस्कशन करते थे, ऐसे पब्लिक प्लेसेस के जो है वहां पे कैलेंडर्स लगे होते थे. कैलेंडर्स में लोग क्या करते थे, अपनी अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट्स करते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमें टीवी नहीं होता था तो किसी को भी नई आइटम्स के बारे में पता नहीं होता था. तो नई आइटम्स के बारे में बताने के लिए चाहे दोनों ही, चाहे इंडियन ही क्यों ना हो चाहे फॉरन ही क्यों ना हो, कैलेंडर्स में उन आइटम्स के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन, उनका नेम और उनके यूजेस दिए जाते थे, साथ ही ईयर वाइज मंथ वाइज जो रिकॉर्ड होता था, जो डेज का रिकॉर्ड. इसका मतलब है उस टाइम पीरियड में कैलेंडर्स के द्वारा लोगों को नई चीजों के बारे में पता लगता था, कैलेंडर्स. थर्ड इज इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस ऑन प्रोडक्ट्स. तो यू कैन सी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस. यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस एट दैट टाइम, लाइक लॉर्ड कृष्णा. बच्चों की जो चीजें होती थी ना उनके ऊपर लॉर्ड कृष्णा की इमेज लगाई जाती थी, ताकि जो लोग हैं उसको गॉड जो है, यानी कि ये सोचे कि जैसे लॉर्ड कृष्णा की फोटो है तो लोगों को लगता था कि ऑथेंटिक है. ठीक है, कौन कौन सी इमेजेस? लॉर्ड कृष्णा, बच्चों के लिए जो भी चीजें, जैसे ना ग्राई वाटर होता है, ग्राई वाटर जो होता है बच्चों के लिए होता है ना, तो ग्राई वाटर के ऊपर लॉर्ड कृष्णा की फोटो, जिससे कि ये लगता था कि लोग इसको खरीदें, जस्ट एक उस चीज को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग यूज करते थे. आज भी कई बार आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में ना कुछ लोग टी शर्ट डालते हैं लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड शिवा, बट कई लोग उसको अपोज करते हैं कि हम लोग गॉड मतलब मानते हैं, सपोज हम ऐसे ही जीसस क्राइस्ट की टी शर्ट ऐसे डालें, तो ये एक तरह से क्या होता है कि कई बार क्या होता है टी शर्ट्स आप फेंक देते हो, है ना. तो ये एक तरह से क्या होता है कि आपकी सेंटीमेंट्स या इमोशनल सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट माना जाता है. बट उस टाइम पीरियड में बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर गॉड जो है, इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस को यूज किया जाता था मार्केट में बेचने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स लाइक महाराजा रणजीत सिंह. इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रेव लीडर्स की फोटोज लगाई जाती थी अट्रैक्टेड बनाने के लिए.
उनको ये लगता था कि अगर महाराजा रणजीत सिंह की फोटो लगा रहे हैं तो ये इंडियन है, लोग इसको खरीदेंगे। कई इंडियंस भी अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, इंडियन जो है लोगों के पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो इमर्ज करने के लिए अपने गुड्स के ऊपर ऐसे, जैसे अपने सोप, अगर सोप है तो साबुन के ऊपर जो है महाराजा रणजीत सिंह की फोटो लगाने का कोई वो नहीं है ना, लेकिन उस टाइम पीरियड में उसकी एड करने के लिए लोग कि ये इंडियन है और लोगों को ये पता लग जाए कि इंडियन है ताकि वो उसको खरीदे, जस्ट अपनी एक प्रोडक्ट को एक इंडियन जो है वो वे देने के लिए, लुक देने के लिए। इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, कई बार इम्पोर्टेंट मैसेजेस लिखे जाते थे। स्वदेशी जब आई तो स्वदेशी के रिगार्डिंग जो है जो भी लीडर्स के मैसेजेस होते थे वो उनके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा जाता था, जैसे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी राइटिंग्स उस टाइम पर हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी गई ताकि लोग ये, स्पेशली कौन कौन इसको प्रमोट करते थे, इंडियन प्रोड्यूसर्स, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे जिनको ये लगता था कि इंडियंस जो हैं वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर इंडियन गुड्स खरीदें। ठीक है, अब जैसे ये देखो सोप की एड है, ये सोप की एड है सनलाइट है ना, और इसमें लॉर्ड विष्णु दिखाए गए, तो है ये सोप है, तो जिस भी कंपनी, जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी इंडियन प्रोड्यूसर ने इसको बनाया होगा तो उन्होंने ये सोचा होगा कि जब लोग गॉड की फोटो देखेंगे ना तो शायद इसको बाय करेंगे, है ना, तो शायद उस टाइम पीरियड में उनका ये मोटिव होगा। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सी इमेजेस को यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। ठीक है, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स।